हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 10 बैटल पास के गिव अवे के बारे में एंड लीथल एंड टैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब बिना टाइम गवाए ये आज का वीडियो हम लोग शुरू कर देते हैं। सो आई नो कि भाई वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मेरा 3 से 4 दिन से मेरा वाईफाई बंद था। लास्ट 3-4 दिन वाईफाई था नहीं, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, वरना मैं बैटल पास का गिव अवे सीजन 10 शुरू हुई उसके फर्स्ट डे पे ही मैं आपको वीडियो दे देता। बट अभी मेरे पास वाईफाई आया है तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली बैटल पास के गिव अवे में क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को ना सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप लोगों को राइट साइड पे टॉप पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना है। एंड दूसरी चीज़, आपको अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देना है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि विनर कैसे पिक करेगा, तो बेसिकली विनर यहाँ पे जो रैंडम कमेंट पिकर करके एक वेबसाइट होती है वहाँ से पिक करूँगा। तो आपकी जो रैंडम कमेंट पिकर में जो भी लकी होगा उसकी कमेंट पिक होगी एंड देन उसकी कमेंट में उसका यूज़र नेम होगा, तो मैं आप उसको इंस्टाग्राम पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड या फिर जो भी आपको गिफ्ट कार्ड चाहिए वो भेज दूँगा और आप लोग फिर बैटल पास इजीली बाय कर सकते हो। जितने भी सीपी का होगा बैटल पास, 220 सीपी का हो या फिर 560 सीपी का हो मेरी तरह, जितने भी सीपी का होगा मैं आपको उतने का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड भेज दूंगा उतने रुपए का। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल दो चीज़, यूज़र नेम नीचे इंस्टाग्राम में ड्रॉप कर दो आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम एंड देन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ख़त्म। सो आज हम लोग ये दो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दो चीज़ जिसको कहते हैं लीथल एंड टैक्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन से मोड में कौन सी चीज़ यूज़ करना अच्छा रहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लीथल में। तो लीथल के अंदर यहाँ पे आप लोगों को टोटल इतनी सारी चीज़ मिलेगी, देख लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली नेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट अब जब से मॉली आई है तब से मॉली भी यूज़ होना शुरू हो चुकी है। ओके, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लोग नेड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ की कौन सी दो चीज़ बेस्ट रहेगी, तो वो नेड एंड मॉली है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। SND वगैरह मोड में मैं आपको प्रीफर करूँगा नेड यूज़ करो, एंड जो हार्प डोमिनेशन होता है उसमें मॉली यूज़ करो। क्यों? क्योंकि सिंपल, आप डोमिनेशन के ऊपर मॉली डाल दोगे तो कोई कैप्चर करने नहीं आएगा। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे बात आती है स्टिकी नेड, तो स्टिकी नेड में भी सेम यही है, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आती है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली देखो, अब हाई रैंक पे जो प्रो प्लेयर होते हैं और हाई रैंक प्लेयर हार्ड वायर यूज़ करते हैं, तो आप उसको ट्रीटमेंट से आप उनको नहीं मार सकते, खास करके SND जैसे मोड में तो नहीं मार सकते। तो आप लोग ट्रिप माइन को आप लोग समझ लो तो, कुछ रैंक तक ही यूज़ कर सकते हो, लाइक इलाइट प्रो रैंक तक यूज़ कर सकते हो। मास्टर एंड लेजेंडरी रैंक पे तो हार्ड वायर प्लेयर आते हैं, तो आपकी ट्रिप माइन से वो कोई फटेगा ही नहीं, समझ लो। एंड इनकेस अगर आप लोग यूज़ करते हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि भाई आप लोग डोमिनेशन हार्ड पॉइंट में यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि कुछ लोग डोमिनेशन हार्ड पॉइंट में क्या हार्ड वायर नहीं लगाते, कुछ और चीज़ें लगाते, टफनेस, घोस्ट एंड कुछ भी अदर पर्क लगाते ग्रीन पर्क में, तो मे भी आप लोगों को ट्रिप माइन थोड़ी हेल्प हो जाएगी डोमिनेशन एंड हार्ड पॉइंट में, बट SND में तो आपको इतनी हेल्प नहीं करेगी। उसके बाद कॉम्बैट एक्स है, ये सीरियस गेम प्ले में यूज़ नहीं करते, लाइक फन के लिए आप लोगों को चिल मारना है तो आप लोग इससे सब लोगों को मार सकते हो। ओके, मैं करता हूँ जब भी मेरा मस्ती करने का मूड होता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, बाकी अदरवाइज मैंने सीरियस गेम प्ले में इस चीज़ को देखा नहीं है। उसके बाद थर्माइट है, थर्माइट में आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप जो डालते हो तो एग्जैक्टली बंदे पे लगनी चाहिए, अगर बंदे के आसपास लगेगी तो दो चीज़ होगी, एक बंदा स्लो हो जाएगा, दूसरी चीज़ कि उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंचेगा बट वो मरेगा नहीं। आपको अगर उसको पूरा मारना है तो उसके लिए आपको उसको मारना पड़ेगा, उसके ऊपर ही जानी चाहिए थर्माइट, तभी जाके वो मरेगा। तो यहाँ पे लिथल में 2 से 3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ नेड, मॉली एंड देन आप लोग यूज़ कर सकते हो ट्रिप माइंड अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो। ओके, SND के अलावा अदर मोड्स में। उसके बाद यहाँ पे टैक्टिकल की बात करें तो टैक्टिकल में सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा वो है ट्रॉफी, ये ट्रॉफी। ओके, तो ये ट्रॉफी क्या करती है आपको पता ना हो तो बता दूँ, ये ट्रॉफी बेसिकली आप लोग ट्रॉफी डालोगे तो आप जितने भी थ्रोएबल्स आपके ऊपर आएंगे, थ्रोएबल्स में आप लोग समझ लो स्मोक है, ओके कायरो है, बम है, मॉली है, ओके तो वो सब चीज़ें ट्रॉफी डिफेंड कर लेगी, लाइक इसको हवा में फोड़ देगी। ओके, आप वो थ्रोएबल का डैमेज आपको नहीं पहुंचेगा। तो जितने भी प्रो प्लेयर्स है ये ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ओके, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे हर एक लोडआउट में होती है।
अब ट्रॉफी के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है यहाँ पे स्मोक एंड काइरो। अब स्मोक मैंने इतना देखा नहीं है, लाइक हाँ करते हैं यूज़ करने वाले लोग, बट यहाँ पे स्मोक में क्या होता है पता है, कभी कभार अगर इनकेस अगर आप स्मोक डालोगे ना तो चांसेस है कि भाई उसी स्मोक का आपको डिसएडवांटेज हो। अगर आपने परफेक्टली स्मोक डाला नहीं है, एकदम परफेक्ट स्मोक नहीं डाला, तो उसके चांसेस है कि भाई उसका डिसएडवांटेज नॉट ओनली एनिमी बट आपको भी होगा। तो स्मोक में कभी कभार भजड़ मच जाती है, चोक हो जाती है स्मोक में। बट काइरो, काइरो को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं हार्ड पॉइंट में। हार्ड पॉइंट में कोई अंदर घुस नहीं लेता एंड हार्ड पॉइंट के बाहर डाल लेते हैं कहीं पे भी, पीछे की तरफ या आगे की तरफ। तो क्या एक तरफ से आपको पता चल जाएगा कि भाई एनिमी आएगा तो थोड़ा स्लो होकर आएगा, ओके, तो आप लोगों को एक तरफ थोड़ा लाइक इतनी दिक्कत नहीं देगी, तो आपको सिर्फ दूसरी तरफ ही ध्यान रखना है हार्ड पॉइंट में। तो यहाँ पे काइरो बॉम्ब यूज़ होता है हार्ड पॉइंट में, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और मैं आपको भी कहूँगा, एक एडवाइस दूंगा कि भाई आप लोग भी हार्ड पॉइंट में काइरो बॉम्ब यूज़ करो। एक लोड आउट बनाओ हार्ड पॉइंट वाला, जिसमें अगर हार्ड पॉइंट मोड आता है रैंक में या फिर आप लोग स्क्रीम वगैरह खेलते हो तो उसमें काइरो हो, काइरो रखो। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैश बैंग है, कंकसन है एंड ईएमपी है, तो यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता, ओके, ईएमपी वगैरह। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डिसेबल कर देती ईएमपी, लाइक सेंट्री गन, ओके, तो वो डिसेबल कर देगी ये ईएमपी। फ्लैश बैंग तो आपको पता ही है फ्लैश हो जाता है प्लेयर, ओके, तो वो तो आपको पता ही है। एंड कंकसन में बंदा स्लो हो जाता है, ओके, स्टन वगैरह, मतलब कि उसको सब दिखता है बट वो कुछ नहीं कर सकता, वो फायर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस वो स्लो हो जाएगा, अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। अगर परफेक्ट, अगर ये कंकसन परफेक्टली गया ना तो, परफेक्टली अगर उसके ऊपर ही गया ना तो, और उसके ऊपर ही फटा तो तभी होगा। तो यहाँ पे ये टैक्टिकल में एक ट्रॉफी सबसे ज़्यादा यूज़ करने को मैं आपको एडवाइस दूंगा एसएनडी में खास करके, एंड डोमिनेशन में कैप्चर के टाइम। और यहाँ पे हार्ड पॉइंट में काइरो बॉम्ब में आपको यूज़ करने को कहूँगा, आप कर सकते हो। अब स्मोक आप यूज़ कर सकते हो डोमिनेशन में, स्मोक आप एनिमी के बेस की तरफ स्मोक डाल के आप डोमिनेशन उठा सकते हो, डोमिनेशन उठाना हो, या फिर आप लोग अगर कोई भी ए या बी साइड रश कर रहे हो तो आप लोग स्मोक डाल के भी रश कर सकते हो सर्च एंड डिस्ट्रॉय में। बट वही दिक्कत मैंने बताया ना, दिक्कत कहाँ होगी, वहाँ पे ट्रॉफी डाली होती है बंदों ने, तो आप स्मोक डालोगे तो वो ट्रॉफी डिफेंड कर लेगी, ओके, तो आपका स्मोक होगा ही नहीं। सो ये पूरी चीज़ है, ओके। और कंकेशन भी यूज़ कर सकते हो, कंकेशन के लिए परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्टली डालना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो ये थी गाइस फुली आज की वीडियो, एंड लीथल एंड टैक्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप लोग भूलना मत नीचे कमेंट में अपना यूज़र नेम ड्रॉप करने का इंस्टाग्राम का, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, यूज़र नेम ये रहा स्क्रीन पे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनती है। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज ऐसे ही मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बीटा से वीडियो डालता आ रहा हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।